नमस्कार। दिनभर की हर खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद विपक्षी पार्टी लगातार सरकार और ट्रस्ट को निशाना बना रही है, तो वहीं अब मामले में मुख्यमंत्री योगी ने भी संज्ञान लिया है और ट्रस्ट से रिपोर्ट तलब की है। लगातार विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है कि मंदिर का चंदा गलत इस्तेमाल हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सरकार और विपक्ष समेत ट्रस्ट की तरफ से यही दलील दी जा रही है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तय कीमत में ही जमीन को खरीदा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद प्रदेश में हलचल मच गई। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में लगे आरोपों पर संज्ञान लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है और राम मंदिर ट्रस्ट को और जिला प्रशासन को इस मामले की विस्तार पूर्वक जानकारी देने को कहा है। तो राम मंदिर ट्रस्ट पर लगातार सवाल के बीच खुद सीएम योगी सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने इसकी पूरी जानकारी मांगी है ट्रस्ट से। एक तरफ जब बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में संग्राम मचा हुआ है, तो वहीं यूपी में भी अब बसपा के नौबागी विधायकों की वजह से सियासी पारा गर्म हो गया है। दरअसल बसपा के नौबागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात विधान परिषद चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ये विधायक सपा में शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। तो तमाम कयासों के बीच अब 9 विधायकों ने मुलाकात की अखिलेश यादव से, उसके बाद चुनाव से पहले अब सियासी पारा प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल यूपी में भी सियासी सरगर्मियां तेज हैं। मंगलवार को बसपा के 9 बागी विधायकों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। यह मुलाकात समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में हुई, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि ये विधायक सपा में शामिल होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको बता दें कि यूपी में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन राजनीतिक खेला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सोमवार को विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी जब राजभवन में राज्यपाल से मिलने पहुंचे, तो उनके साथ 74 में से केवल 50 विधायक ही वहां पर शामिल हुए। इसके बाद राजनीतिक अटकलें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। ये अटकलें इसलिए भी तेज़ हैं क्योंकि टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तमाम बागी विधायक अब एक बार फिर से टीएमसी में घर वापसी की जिद पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल का ये राजनीतिक खेला कब जाकर खत्म होता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सूबे में अब उल्टी गंगा बहने लगी है। पहले टीएमसी से एक के बाद एक नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी की हार के बाद कई नेता फिर से टीएमसी का रुख कर सकते हैं। तो वहीं सोमवार को शुभेंदु अधिकारी के साथ राज्यपाल से 74 में से सिर्फ 50 विधायक ही मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ये विधायक टीएमसी के संपर्क में है, जिसके बाद अब बंगाल में सियासी पारा और ज्यादा तेज होता जा रहा है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे प्रकरण के बाद सफाई भी दी है, लेकिन 24 विधायकों का राज्यपाल से मिलने जब पहुंचे शुभेंदु अधिकारी विधायकों के साथ, तो ना होना अपने आप में वाकई बड़े सवाल खड़े करता है कि कहीं कोई बड़ा उलटफेर बंगाल के अंदर तो नहीं होने वाला है। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने एक सीएम अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। साथ ही कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल को भी हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन के बाद से दोनों ही पार्टियाँ सक्रिय हो गई है। दरअसल अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं,
ऐसे में आगे भी ऐसी सक्रियता देखने को मिल सकती है। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी के बीच गठबंधन के बाद से दोनों ही पार्टियां कैप्टन सरकार पर अब हमलावर हैं। इसी कड़ी में भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोहाली में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ, जिसे रोकने के लिए पुलिस को मौके पर ही वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान अकाली प्रमुख सुखबीर सिंह बादल समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। तो सीएम अमरिंदर के आवास के बाहर बीएसपी और अकाली दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा सके। साथ ही एसएडी के कई प्रमुख लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि एसएडी और बीएसपी का गठबंधन अब से कुछ दिन पहले हुआ है पंजाब के अंदर और उसके बाद ये प्रदर्शन गर्मी में बारिश का इंतजार हर किसी को है ताकि राहत मिल सके, लेकिन हाल ही में इस गर्मी से राहत मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 15 जून को दिल्ली में मानसून आने का दावा किया था, फिलहाल मानसून थम गया है। वहीं आपको बता दें कि 48 घंटे में मानसून सक्रिय हो सकता है। तो पछुआ हवाओं के कारण मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मानसून का भी इंतजार और ज्यादा बढ़ सकता है। इन क्षेत्रों में अब कुछ दिनों की देरी से पहुंचने से मानसून उम्मीदें हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह पूर्वानुमान सोमवार को व्यक्त किया था। फिलहाल मानसून धीमा पड़ गया है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान सक्रिय हो सकता है। तो मानसून, जिसका इंतजार लगातार दिल्लीवासी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं, उसके बाद अब यह खबर थोड़ा सा आपको और कुछ दिनों के लिए परेशान कर सकती है, क्योंकि मानसून का इंतजार अभी आपको आने वाले 2 से 3 दिनों तक और करना पड़ेगा, जिसके लिए यह कहा जा सकता है साफ तौर पर कि मानसून का इंतजार के बीच ये गर्मी दिल्लीवासियों को परेशान करती रहेगी। भगवान भोलेनाथ की भक्तों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें, कोरोना काल के बीच में अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन सीमित संख्या में सीमित अवधि के लिए ये यात्रा की शुरुआत की जा सकती है। वहीं बालाकोट स्ट्राइक रूट पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो अब भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना महामारी के बीच भले ही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन यह यात्रा सीमित संख्या और सीमित अवधि के लिए शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि श्राइन बोर्ड ने बालटाल रूट पर सफाई, रखरखाव और कई काम जो हैं उनको शुरू कर दिया गया है, जिसे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सीमित अवधि के लिए, सीमित समय के लिए बाबा अमरनाथ की यात्रा को शुरू किया जा सकता है। यानी कि यह अच्छी खबर अमरनाथ यात्रा को लेकर जो यात्री, जो भक्तगण इंतजार करते रहते हैं, उनके लिए खबर राहत पहुंचाने वाली है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले ले गए हैं, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। दरअसल कैबिनेट मंत्री ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के अंदर अब एचपीएससी में संख्या घटाकर 8 से 5 कर दी गई है, जबकि 1 चेयरमैन होगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो 30 जून तक सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है और किताबों का इस बार टेंडर नहीं होगा। टेंडर न होने का कारण ये है कि अगर टेंडर होता है तो इस प्रक्रिया में तकरीबन 3 महीने का वक्त लगेगा, जिसके चलते बच्चों तक किताबें लेट पहुँचेंगी। इस दौरान किया ये जाएगा, दरअसल किताबों को सीनियर जो है वो जूनियर को किताबें देंगे, साथ ही सरकार 300 रुपये हर बच्चे तक पहुंचाएगी ताकि वो दुकानों से किताबें खरीद सके। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि एचपीएससी में
संशोधन कर सदस्यों की संख्या को घटाया गया है और 8 से घटाकर 5 ये संख्या की गई है और अब एक ही चेयरमैन होगा। तो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बताया कि प्रदेश में नए वाहनों का पंजीकरण का अधिकार डीलर्स को दिया गया है। पहले अधिकार सिर्फ निजी वाहनों के लिए था, जिससे अब मौके पर ही वाहनों के चालान का भुगतान किया जा सकेगा, जिसके चलते तमाम लोग जो परेशान होते थे वो परेशान नहीं होंगे। तो डीलर्स भी पंजीकरण अब कर सकते हैं, यानी कि आज हरियाणा प्रदेश में जो ये कैबिनेट बैठक चंडीगढ़ में हुई सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। फिर वो चाहे सरकारी स्कूलों की अवधि की बात करें, क्योंकि ये कहा गया आज की इस बैठक में कि 30 जून तक सरकारी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। किताबों को लेकर बड़ी समस्याएं आ रही थी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है कि सीनियर जो हैं वो जूनियर्स को किताबें देंगे। साथ ही सरकार 300 रुपए हर बच्चे तक पहुंचाएगी, ताकि वो दुकानों से आसानी से किताबें खरीद सके, क्योंकि अगर टेंडर प्रक्रिया के जरिए किताबों का वितरण होता है तो इस प्रक्रिया में तकरीबन 3 महीने का समय लग जाएगा और 3 महीने का समय क्रूशियल हो जाएगा बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए, जिसके चलते आज की महत्वपूर्ण बैठक की गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भाजपा का मंथन आज से शुरू हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मंथन में चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। दरअसल आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं, 3 उपचुनावों के साथ 2022 के चुनाव जो होने हैं उनको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। यही नहीं, भाजपा के दिग्गज नेता आज से यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। आज अविनाश राय खन्ना, जो कि हिमाचल भाजपा के प्रभारी हैं, वो होंगे। उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के साथ इस बैठक के जरिए सेवा ही संगठन भाग 2 की शुरुआत होगी और किस तरह से फीडबैक जो है वो यहां पर लिया जाना है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर जरूर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं कोरोना को लेकर क्या काम राज्य सरकार या केंद्र सरकार की नीतियां हिमाचल प्रदेश में बनी हैं, इनको लेकर भी जानकारी साझा की जाएगी और फीडबैक कार्यकर्ताओं से लिया जाएगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक राहत भरी खबर यह है कि 17 जून को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। खासतौर पर इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि कैसे आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत दी जाए। तेल के आसमान पर पहुंची कीमतों की वजह से देश में महंगाई दर भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस बीच ईंधन की कीमतें घटाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पेट्रोलियम के अधिकारियों के साथ साथ देश की सरकारी तेल कंपनियां IOC, BPCL, HPCL के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। यह बैठक इसी महीने 17 जून को होनी है। बैठक में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह उसका हल निकालने पर चर्चा होगी। इस बात पर भी विचार होगा कि क्या कोई रास्ता है जिससे तेल की कीमतों को घटाया जा सके, ताकि जनता परेशान ना हो, क्योंकि जिस तरह से तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उसने आम जनता को परेशान करके रखा है। पिछले कुछ ही महीनों का हम जिक्र करें तो लगातार तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। नारे तो बड़े बुलंद किए जाते हैं कि बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार बदल देंगे सरकार। सरकार बदलने की बात होती है, लेकिन सरकार कोई भी हो, पेट्रोल डीजल से राहत हमें नहीं मिलती, यह कहना है आम जनता का। और अब यह सही है कि हम एक संक्रमण काल, आपदा काल में हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में धीरे धीरे धीमी गति से बढ़ोतरी हो रही है, जो कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर भारी पड़ रही है। मगर अब देखने वाली बात यह होगी कि पेट्रोल और डीजल अपने आप ही तो बेलगाम होते सरपट दौड़े नहीं जा रहे। आखिर इस बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों के पीछे असली सूत्रधार कौन है? क्या इसमें जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, या तेल सप्लाई करने वाली कंपनियों की? यह गर्भ में छिपा एक बहुत बड़ा सवाल है या विश्लेषण का विषय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जहां एक और खोरी गांव के लोगों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, वहीं
जिला प्रशासन द्वारा फौरी राहत दी गई है, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, 3 दिन तक लोग अपने आप ही वहां से आशियाने खाली करके कहीं पर पलायन कर जाएं, ऐसा प्रशासन ने वहां पर निर्देश जारी किया है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, शांति व्यवस्था बहाल रहे इसे लेकर वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, लोग दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो सके इसके लिए प्रशासन ने ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था की है। फिलहाल जो है लोग अब 3 दिन तक वहां से पलायन कर सकते हैं और उसके बाद तोड़फोड़ की कार्यवाही को व्यापक स्तर पर अंजाम दिया जाएगा, ऐसा जिला प्रशासन द्वारा सीधे तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। धारा 144 लगा दी गई है, यानी 200 मीटर की परिधि पर किसी भी तरह 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना वो प्रतिबंधित किया गया है। नुकीले हथियार आदि लेकर वहाँ पर लोग नहीं जा सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि खोरी गांव के लोग इस राहत का कितना फायदा उठाते हैं या फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई के बीच कोई विवाद पैदा करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अब सभी दुकानें और मंडियां जो हैं पूर्ण रूप से खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन इसी को लेकर हम सोनीपत की सब्जी मंडी में पहुंचे और यहां आकर हमने जायजा लिया, लेकिन जायजे के दौरान जिस प्रकार की भयावह तस्वीर देखने को मिली वह काफ़ी चिंतित करने वाली है, क्योंकि सोनीपत की सब्जी मंडी में 80% लोग जो हैं मास्क और सोशल डिस्टेंस को भूल गए हैं। और हम सभी को याद रखना चाहिए जिस प्रकार कोरोना की दूसरी लहर ने हर किसी को रुलाया था और काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया था, इस दर्द को एक बार फिर याद कर लीजिए और मास्क लगाना कितना ज़रूरी है ये समझ लीजिए। और यहाँ पर हमने काफ़ी दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश करी, दुकानदारों ने ये ज़रूर कहा कि मास्क ज़रूरी है और मास्क के कैमरे के सामने लगाया भी, लेकिन जिस प्रकार से इस प्रकार की लापरवाही जो सोनीपत सब्जी मंडी में देखने को मिल रही है वह काफ़ी चिंताजनक है, और चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि दूसरी महामारी दूसरी लहर में जो है काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया और इसी दर्द को देश दुनिया ने भी देखा। और इसी के साथ जो है जनता टीवी लोगों से अपील कर रहा है कि अपने घरों में जिस प्रकार से आप शुरुआती तौर पर रह रहे थे और घरों से जब बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। यमुनानगर में NGT के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। दरअसल NGT द्वारा बिना एनवायरनमेंट क्लियरेंस के चल रहे फॉर्मल डिहाइड्रेट प्लांट को बंद करने के 3 जून को आदेश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यमुनानगर में कुछ प्लांट चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि यमुनानगर में 7 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बिना एनवायरनमेंट क्लियरेंस के चल रहे थे। हालांकि इनको परमिशन देकर कुछ समय के लिए चलाया भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर से NGT के आदेश आए कि पूरे देश के अंदर जो 100 फॉर्मल डिहाइड्रेट प्लांट हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। करनाल में लगातार लॉकडाउन के दौरान आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। सबसे ज्यादा मामले पश्चिमी जमुना नहर से हैं, जहां पर पिछले 14 दिनों से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और ताजे जो मामले 3 मामले ऐसे हैं जिनमें महिलाओं ने अपने बच्चों सहित इस नहर में छलांग लगाई थी और बच्चे उनके कहीं ना कहीं नहीं बचा सके प्रशासन द्वारा जन गोताखोर द्वारा, लेकिन दो महिलाओं को बचा लिया गया था। इसके बाद इसी नहर में आगे जाके गोगड़ीपुर के पास एक महिला ने छलांग लगा दी थी, उसकी मौत हो गई थी। लेकिन लगातार ऐसी मामले इस नहर में आ रहे हैं। जो पश्चिमी जमुना नहर है इसको पिकनिक स्पॉट जरूर बनाया गया था, लेकिन ये डेथ स्पॉट जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम के बंदवाड़ी स्थित द अर्थ सेवियर फाउंडेशन में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। ये उन लोगों के लिए लगाया गया जो कि मंदबुद्धि हैं, बेसहारा हैं और मानसिक रूप से परेशान, और साथ ही साथ ये वो लोग हैं जिनको लोग लावारिस छोड़ देते हैं। उसके बाद इन लोगों को यहाँ पर ये संस्था लाकर उनकी सेवा करती है। ऐसे ही ये बेसहारा लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में है। स्वास्थ्य विभाग की ये अनूठी पहल थी जहाँ पर इन लोगों को बिना डॉक्यूमेंट्स आज 700 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, और ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की तारीफ करनी होगी। जिस तरह से जो मंदबुद्धि लोग हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं और जिनका कुछ पता नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, उन लोगों को आज वैक्सीन लगाई गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो स्वास्थ्य विभाग का कदम था ये सराहनीय है।
डॉक्टरों पर हो रहे लगातार हिंसक हमले और सुरक्षा प्रदान की मांग को लेकर फरीदाबाद में आईएमए के मेंबर 18 जून को नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाएंगे और काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट करेंगे और इस प्रदर्शन के दौरान 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह से फरीदाबाद के अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जरूर चालू रहेंगी। एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहराकर अपना नाम रोशन करने की इच्छा ने जवानों के अरमानों पर उस समय पानी फिर गया जब भारी बर्फीले तूफान ने उनका रास्ता रोक दिया और सेना ने उन्हें वापस आने का फरमान सुना दिया, लेकिन जवानों का हौसला अभी भी बरकरार है और उन्होंने ठानी है कि वो दोबारा से जो है माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर फतह हासिल करेंगे, जिसमें एक नगर चौधरी के गाँव कमानिया। इस युग में दूरसंचार व इंटरनेट में जहां काफ़ी प्रगति हुई है, वहीं सोलन जिला के अर्की उपमंडल के सरयान पंचायत में कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी लोग इंटरनेट की सुविधा न मिलने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आज हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल कोरोना के कारण मेरी जो पढ़ाई है वो काफ़ी डामाडोल हो रही है क्योंकि नेटवर्क नहीं है। हमारे यहाँ बहुत मतलब जो सिग्नल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कहीं से कोई सिग्नल नहीं, कोई बच्चों को कोई है नहीं, मतलब बच्चे पढ़ने जाए तो कहाँ जाए। तो जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।